सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। सो आई होप आपको प्रीवियस सारे लेक्चर समझ आए होंगे। सो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हम HTML के कोड में जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। आई नो जावास्क्रिप्ट आप सबके लिए नया है, बट थोड़ा मुश्किल भी है। बट हमें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं पढ़ाऊंगा। तो HTML का स्टार्टअप टेम्पलेट लिख लेते हैं। लेक्चर आई थिंक इट इज 19। तो जावास्क्रिप्ट इन HTML, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओ इट इज 18th लेक्चर, मैं चेंज कर देता हूँ वहां पे। सो हमें जावास्क्रिप्ट कैसे रन करेंगे HTML में, ये मैं बता रहा हूँ। पहले मैं हेडिंग वन बना लूंगा। हेडिंग वन में मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट इन HTML, कंट्रोल एस से। मैं इसका आईडी दे दूंगा, आईडी दूंगा हेडिंग वन। आई होप आपको आईडी समझ आया होगा क्या है, क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी काम होता है हमारा, वो मेजरली आईडी और क्लासेस की हेल्प से ही होता है, बट उसके बिना भी हो सकता है, बट मेजरली इसकी हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है। स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसके अंदर ही सारी जावास्क्रिप्ट आती है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग लिख लिया, अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आ गया, या हमें करना गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर हम क्या लिखेंगे आप समझ ही गए होंगे, आईडी का नेम। तो आईडी का नेम पे हमारा हेडिंग वन। अब पहले हम दिखा देता हूँ अभी कैसा लग रहा है, फिर मैं आपको वापस दिखाऊंगा। देखिए अभी ऐसा लग रहा है डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट HTML। अब मैंने ये किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग वन। अब मैं क्या करता हूँ इसका डॉट स्टाइल, मैं जावास्क्रिप्ट से स्टाइल कर चेंज करता हूँ इसका। डॉट स्टाइल से स्टाइल चेंज होता है, डॉट स्टाइल से फिर कलर इज इक्वल टू रेड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ डबल कोट्स में लिखना है आपको जावास्क्रिप्ट में जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम देंगे। कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, देखते हैं रेड हुआ कि नहीं। देख लीजिए ये रेड हो गया। हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, जैसे एक होता है हमें कुछ प्रिंट करना हो, कंसोल डॉट लॉग। हेलो, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, कंसोल में कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये कंसोल है आपको, ये कंसोल है। आई गेस मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये हेलो लिखा हुआ आ गया मैसेज में। कंसोल ये होता है, ये कुछ भी चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, हम जब बड़े फंक्शन बनाते हैं तो चेक करने के लिए हम पहले कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, और कोई भी हमारा जावास्क्रिप्ट का एरर होता है तो भी वो यहीं पे आता है, डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे नहीं आता। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट से, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। आई गेस मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है वहां पर, यहाँ पे सी कैपिटल आएगा बैकग्राउंड कलर का, सी कैपिटल। ध्यान रखिएगा जावास्क्रिप्ट में ऐसे कैपिटल आता है, बैकग्राउंड कलर का सी कैपिटल आएगा। कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है।
एक नो स्क्रिप्ट टैग भी होता है जावास्क्रिप्ट में, बट वो अभी के लिए आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा। बट मैंने आपको बता दिया कि नो स्क्रिप्ट भी होता है कुछ, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, जब आप जावास्क्रिप्ट का कोर्स करेंगे तो वो आपको सारी चीजें पता लगेंगी। इनफैक्ट आप वेब ब्राउजर, अगर आप HTML जावास्क्रिप्ट CSS आता है, तो आप कैसा भी वेब पेज आप जो देख रहे हैं, कैसा भी बना सकते हैं फ्रंट एंड। और अगर आपको PHP भी आता है तो आप कोई भी वेब पेज आप जो दुनिया में देख रहे हैं आप बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं।